हेलो एवरीवन, मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को पीबीआर स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। तो साथियों, आज हम लोग नाउन नंबर का, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके कुछ वेरियस टाइप्स का क्वेश्चन देख रहे हैं, उसका सीरीज टू है। ठीक है, तो चलो हम आपके सामने क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस बताएंगे और आपका उसका सिंगुलर सी प्लूरल बनाना होगा। इस विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट को पता ये नहीं होगा कि नंबर क्या होता है, वो इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। फर्स्टली जाकर के आप क्या करना है, उसको वहाँ से सीरीज बाई सीरीज देखना है। देखो नंबर का मतलब होता है वचन। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका सिंगुलर होता है, एक होता है आपका साथियों प्लूरल। समझ रहे हो ना, एक सिंगुलर, देखो ये, देखो जानकारी के लिए आपको यहाँ पे बता दूँ, एक तो सिंगुलर होता है जो न्यू स्टूडेंट जुड़े होंगे बिल्कुल से, और एक होता है प्लूरल। हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप इंग्लिश दुनिया में आते हो तो हम लोग जो नंबर होता है उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। और मैथ में नंबर का मतलब होता है संख्या, जो 1, 2, 3, 4 गिनते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नंबर का मतलब होता है वचन, और वचन में दो प्रकार का होता है, एक वचन बहुवचन। समझ रहे हो ना, आ जाओ। हमने इसके पहले की क्लास में बहुत सारे इसके क्वेश्चंस कराए थे, और साथियों करो ये सेशन को अपने दोस्तों के साथ क्या करो, शेयर कर दो। क्योंकि आप साथियों सेशन को शेयर नहीं करते हो, 20-25-30 लड़के से काम नहीं चलेंगे। हमें भाई टारगेट 100+ चाहिए, ठीक है। हमारी टारगेट एक 100+ स्टूडेंट्स यहाँ जुड़ने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट जुड़ गए, और यहाँ पे साथियों मैं कह रहा हूँ ना, इतना क्वेश्चन करवा दूंगा फिर आपको कह रहा ना नाउन नंबर में कभी दिक्कत नहीं होंगे, ये लिख करके ले लेना, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने इसके लिए फाइंड किया है जहाँ से मेरे को हो सकते थे, और सारे क्वेश्चन आप ना, मतलब कह रहा ना, आप सीख जाओगे, यहीं से सीख जाओगे, फिर आपको किताब पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग फटाफट इसे नोट डाउन करना और इसे सिंगुलर से प्लूरल में हमारे साथ बनाते चलना, ठीक है। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है पाव, ठीक है, इसका प्लूरल बनाना है आपको, ठीक है। जैसे बॉय, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका डेस्क, ठीक है। फोर्थ नंबर में हो जाएगा एंट, ठीक है। फाइव नंबर में लिख लो साथियों जल्दी से सॉप, सिक्स में ले लो सॉप के बाद ले लो आप शर्ट, एंड सेवन में ले लो सॉप हो गया शर्ट हो गया हाउस। जिसका हिंदी नहीं पता हो साथियों, आप उसका हिंदी यानी कि उसकी मतलब मीनिंग नहीं पता हो, वो मीनिंग भी हमसे क्या करना साथियों, पूछ लेना है। क्योंकि पता नहीं आपको मीनिंग पता नहीं चले और आप साथियों कंफ्यूज होते चले जाओ, ठीक है साथियों। सबकी मीनिंग हमसे आप क्या करना, पूछते चलना कमेंट बॉक्स में, सारे के मैं मीनिंग बताते चलूँगा आपका, ठीक है। और जो नाइन्थ नंबर में ले लो टीचर, एंड टेन नंबर में ले लो फादर। आ जाओ, इन सभी का जो आपको दिखाई दे रहा है, काउ, बॉय, डिस्क, एंट, सॉक, शर्ट, हाउस, चेयर, टीचर, फादर, इनका फटाफट मैं करूँगा आपको एक, जो आप एक रूल पढ़े हो एक रूल का 50-50 क्वेश्चन कराऊंगा। और टोटल मैंने साथियों को पता है कितना कितना रूल करवाया है, यानी कि 10 रूल करवाया है। लगभग आप 300 से 400 क्वेश्चन करोगे, मतलब अभी तक ट्यूशन में भी खूब से खूब क्वेश्चन किए होगे साथियों ना, 100 से बेसी नहीं किए होगे, 100 से ज़्यादा नहीं किए होगे। मैं लगभग मैं एटलीस्ट 350+ आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, जिसके बाद नाउन नंबर का दिक्कत एकदम बिल्कुल जड़ से ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना, चलो। तो काउ, बॉय, डेस्क, एंड, सॉप, शर्ट, इसको जल्दी जल्दी प्लूरल बना दो, जल्दी सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करो। जिसके हिंदी नहीं पता, देखो काउ, काउ मतलब होता है गाय, बॉय मतलब लड़का साथियों, बॉय मतलब लड़का, डेस्क, डेस्क मतलब जो डेस्क होता है समझ ओ होता है, एंड मतलब होता है चींटी, सॉप, देखो सॉप में थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, किसी ने बच्चे भी ध्यान नहीं दिया, SHOAP होता है, ठीक है। शॉप मतलब होता है साथियों दुकान, शॉप मतलब होता है दुकान। शर्ट, शर्ट मतलब साथियों पता क्या होता है, शर्ट मतलब जो मैं पहना उसे शर्ट बोलता हूँ, ठीक है। आ जाओ हाउस, हाउस मतलब साथियों क्या होता है, घर। अब इसका प्लूरल बनाओ चेयर, चेयर मतलब क्या होता है, जिस पर आप बैठते हो, चेयर यानी कि कुर्सी। टीचर यानी कि जो मैं भी यहाँ पे कैसा रोल एक्ट कर रहा हूँ, टीचर का, ठीक है, पढ़ाने का एक्ट कर रहा हूँ, वो टीचर क्या होता है, टीचर का मतलब शिक्षक। फादर यानी कि फादर यानी कि पिता। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाओ सभी साथियों, जल्दी से जल्दी इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाओ, जल्दी, कम ऑन फास्ट। आपकी दायित्व है कि जल्दी इसके सारे रूल, मैं कह रहा हूँ ना कुछ सारे रूल, सारे कंसेप्ट सब सिखा दिया हूँ, आपकी अब बारी है, अब आपकी बारी है कि इसे विद इन सेकेंडों में सॉल्व कर देना है। समझ रहे हो ना, ये आपकी बारी है, जल्दी से इसे करो साथियों, मैं टाइम नहीं लेना चाहता। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जुड़ गए हैं, वर्थिका श्रीवास्तव जी बता रहे हैं, सही आंसर आ रहे हैं,
और कौन है मनोज यादव जी, बहुत खूब। अवंतिका गुप्ता मनोज, विकास सिंह पीवीआर स्टडी, यस बिल्कुल गुड गुड। बहुत सारे बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। और कौन है मेरे भाई साहब गोविंदा शुक्ला जी, और अंशिका सरोज, बहुत खूब। सभी बच्चे बहुत अच्छे अच्छे आंसर दे रहे। इसका आंसर दो साथियों, मैं कह रहा हूँ 300 यानी 300 क्वेश्चंस करवा दूंगा। इसके बाद एक और सीरीज लूंगा, अभी जितने कराऊंगा साथियों वो तो होगा ही होगा। इसके बाद एक और क्लास लूंगा जहाँ पे एडवांस वाला रूल का भी जो आपका सिमिलर से प्लूरल होता है वो भी कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जुड़ चुके हैं, सभी का बहुत प्यारा प्यारा आंसर आ रहा है, बहुत खूब। रचना जी गुड गुड, आशीष यदुवंशी बहुत खूब बहुत खूब। और कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे। रचना पाल तो बता ही दिए मैंने, जिनका भाई मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ वो लोग गुस्सा नहीं होंगे, ठीक है भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमारा नाम नहीं लेते हैं साथियों, ठीक है। सब कोई हमारे लिए बहुत अच्छे हो और सब कोई बहुत ध्यान से पढ़ते हो, मुझे पता है अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे, हम लोग इसका सिमिलर से प्लूरल बनाने की प्रयास करते हैं। देखो काउ, मैंने रूल बताया था आपको साथियों, अधिकांशता नाउन, दुनिया का 19% नाउन। तो जब हम उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं साथियों, 19% नाउन का जब हम सिंगुलर से प्लूरल करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एस लगा करके बना देते हैं। 90% केस में सिर्फ एस लगाओगे, सिंगुलर से प्लूरल ऑटोमेटिक बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। और वही तो सारे जितने सबके सब में एस ही लगाना था साथियों, दिमाग आप लोगों ने उतना यूज नहीं किया। जो बच्चे हमारे शुरू से वीडियो देखे थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे गए थे और सिर्फ एस लगा करके धुआंधार तरीके से कर लेते, क्योंकि ये सारे कॉमन है। देखो वाई वाला एक आपको कंफ्यूज करता, बताओ इसके बाद कोई रूल है? रूल पे आर भी नहीं पढ़ाया, ना टी पढ़ाया, ना पी ना टी, ई वाला भी नहीं पढ़ाया हूँ, ऐसा रूल में है ही नहीं। और जो रूल में नहीं होता उसमें ज़्यादातर में 90% केस में एस ही लगता है। और एडवांस रूल आपको बता ही दिया हूँ कौन सा क्या प्लूरल होगा, कौन सा सिंगुलर होगा हमेशा, जैसे पुलिस ई रहता है उसके लास्ट में, तो उसका रूल बता ही दिया हूँ आपको साथियों। वीडियो देखे हो ना वो वाला, तो वीडियो देखे हो तो आपको पता होगा कि मतलब एक्चुअल में क्या क्या होगा, ठीक है। देखो काऊ का हम लोग ऐसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, काऊ नहीं भी दिखे हो तो इतने सारे प्रैक्टिस करवा दूंगा साथियों, इतने ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको माइंड यानी कि खून के रग रग में बस जाएंगे, नाउन नंबर में दिक्कत नहीं होंगे। वो हमारे पे छोड़ दीजिए, बस आप ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो वाई। अब देखो मैंने बताया था वाई वाला रूल में कि वाई के पहले वोवेल हो एस लगाएंगे, तो बताओ यहाँ भी क्या हो जाएगा, बॉयज होगा कि नहीं, बताओ। समझ पा रहे हो ना, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हैं यार, बहुत बहुत। मनोज जी बहुत खूब, विकास जी, साहिना खान वाओ गुड गुड, साहिना खान जी बहुत खूब, आप रेगुलर स्टूडेंट हो। वर्तिका जी आप कभी कभी गायब हो जाते हैं, ठीक है आ जाइए। डेस्क, डेस्क का भी प्लूरल क्या हो जाएगा साथियों, डेस्क सो जाएगा। एंट का जल्दी जल्दी कमेंट करो, एंट का प्लूरल क्या होगा, एंट सो जाएगा, समझ रहे हो ना। चलो टॉप का, टॉप का प्लूरल बताओ जल्दी जल्दी बताओ साथियों। आई काम किया करो दोस्तों के साथ, सेशन के शेयर किया करो दोस्तों के साथ, इस सेशन को शेयर करो ताकि वो भी कुछ सीख सके, ठीक है। सॉप का क्या हो जाएगा साथियों, सॉप सो जाएगा, ठीक है। एस लगा दोगे, सब में एस लगाना है, कुछ नहीं करना, आँख मूंद करके एस लगा देना, क्योंकि मैं देखो इसकी 40+ यानी कि 40 क्वेश्चंस लाया हूँ लगभग, और 40 क्वेश्चन करने के बाद आपको लगेगा, अनुभव हो जाएगा, फीलिंग होगा कि हाँ सर मुझे एस वाले में कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि मुझे बार बार प्रैक्टिस कर लिया। और जितने वर्ड है ना ये हमेशा कहीं ना कहीं यूज करते हो, काउ का भी यूज करते हो हमेशा, देखते रहते हो बॉय के भी कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी में देखते रहते हो, डेस्क को भी देखते हो कहीं ना कहीं, एंट को भी कहीं ना कहीं आप जिंदगी में कहीं आम जिंदगी कहीं आसपास में देखते हो, चींटियों को भी, शॉप को यानी जाते हो सामान खरीदने, ये जितने भी वर्ड आपके सामने लिखे ना आसपास अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं देखते रहते हो, इसीलिए वो वर्ड का यूज किया हूँ, वो वर्ड को छून के लाया हूँ आपके सामने। आप उसी का प्लूरल बनाना होगा आपके इन फ्यूचर, और वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस में आ जाए तो आपको फिर कभी दिक्कत नहीं होंगे, समझ रहे हो ना। आ जाओ उसके बाद देखो हाउस, हाउस का क्या हो जाएगा साथी, एच ओ यू एस ई हाउसेस, ठीक है। चेयर का चेयर्स हो जाएगा, सी एच ए आई आर एस। देखो साथियों राइटिंग पे नहीं जाना, देखो एक बोर्ड है, बोर्ड पे बढ़िया तरीके से राइटिंग बैठाने में टाइम ज़्यादा लगेंगे, फिर आप कहोगे सर आप टाइम बहुत लेते हो मेरा, समझ रहे हो ना। चलो टीचर्स का हो जाएगा साथियों, टीचर का हो जाएगा टीचर्स, टी ई एस सी एच ई आर एस। फादर में भी एच लगा दो, एफ ओ टी एच ई आर ए। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है भाई, किसी को कोई आपत्ति है, ये वाला समझ में आ रहा है ना सब कोई को? अरे ऐसा कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं ना जिनको नहीं समझ में आ रहा,
पीएम विश्वकर्मा जी बहुत खूब, वंतिका जी आप डेली जुड़ा करें और वर्तिका जी डेली जुड़ा करें, ठीक है। क्लास को आप लोग शेयर कीजिए, आप ही लोग इंसान हैं सब क्लास का, मनोज जी समझ रहे हैं ना, बहुत खूब। आइए थोड़ा सा एक सेकंड, मैं रब कर दूँ इसे, एक सेकंड रुक जाना साथियों। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा, इसे नोट डाउन करो जल्दी जल्दी आप सभी, ये तो नोट डाउन करो, आप सभी का काम है नोट डाउन करना, ठीक है। चलो आ जाओ नोट डाउन करो, आप लोग कर लिए ना, अरे साथी स्क्रीनशॉट भी ले लो, क्योंकि आप इसे दो बार तीन बार वीडियो को देखना, रिवीजन हो जाएंगे और यूँ आपके माइंड में ये सारी चीज़ें बैठ जाएंगी, समझ रहे हो ना, ये सारे आपको जितने दिखाई दे रहे सब माइंड में रग रग में बैठ जाएंगे, समझ रहे हो ना। मानो तो ये इंजेक्शन की तरह आपको दे दिया मैंने, एकदम सीख जाओगे, नाउन नंबर कोई चीज़ बड़ा नहीं होता है, और बचपन से आ रहे होगा पढ़ने, कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहेगी आज उस चीज़ों का, हम लोग क्या करेंगे वो बचपन की जो परेशानियाँ थी जो दिक्कतें थी उसे हम इस क्लास में भगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे साथियों, इस क्लास में हम लोग भगाने की कोशिश में कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो और क्या करो साथियों, देखो आप ही ईमानदारी से सोचो, 20-30 हमारे स्टूडेंट जुड़ने से हम लोगों का काम चलेगा, सेशन ज़्यादा दिन तक चल पाएगा नहीं, ये गाड़ी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। गाड़ी चलने के लिए बढ़िया से टायर होना चाहिए, टायर के लिए आप टायर के मतलब समझ लो ना, उसकी अच्छी अच्छी टायरें होनी चाहिए, ट्रेन चलने के लिए टायर दो तीन टायर निकाल दिए, उसमें जो चक्का होता है व्हील होता है निकाल दिया जाए तो ट्रेन चल सकती नहीं चल सकती, उसी तरह आप लोग हमारे लिए व्हील हो, समझ रहे हो ना वर्तिका जी, मनोज जी समझ रहे हैं ना, विकास जी, तो आप लोग हमारे लिए व्हील हो, और आप लोग जुड़ोगे तो हमें लगेगा हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं ना वो सारे पढ़ने वाले जुड़े हैं। आज ये 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन में ले लीजिए, जैसे डॉग, डॉक्टर ब्रदर, डॉक्टर ब्रदर, सिस्टर एंड इसे नोट डाउन करो साथियों, कॉपी में नोट करो, इसे जल्दी जल्दी नोट भी करना है आपको, समझ रहे हो ना साथियों, इसे नोट भी करना है साथियों आपको, इसको ये नोट करने का मतलब वो नोट नहीं है, ये आपको कॉपी में उतारना भी है इसे, समझ रहे हो ना। चलो और उसके बाद 17 में आ जाते हैं, 17 नंबर है कोट, हाउस, आ जाओ 18 तक यहाँ दिख रहा है, 19 नंबर इस नंबर में क्या है आपके साथियों, वाई, वाई कितनी बार लिखेंगे यार, चलो लिख देते टेबल 21 नंबर, देखो सबको इसे नोट करो साथियों, एकदम बनाने के प्रयास करो, मेरे साथ काम करोगे तो बढ़िया सीख पाओगे। अब बहुत सारे इसमें बच्चे होंगे कहेंगे सर ये सब तो आता है साथियों, आता है मुझे ही पता, आपको इंग्लिश बचपन से आता है तभी तो आप इंग्लिश आज तक कर नहीं पाए, इसमें कुछ वर्क नहीं कर पाते। हमारी जो हम जैसे लड़के की प्रॉब्लम पता क्या है, हम लोग यही सोचते थे कि हमें सब आता है, और वास्तव में पता है हम लोग ऊपर वाली लेवल पर आता है, नीचे की लेवल जो होती है ना हमारी खंगोली हुई होती है, उस पर काम करना, पता है मुझे आता है लेकिन इसका कंसेप्ट आपको नहीं आ पाएंगे, क्योंकि समझते हो ना, वो कहानी सुने हो ना जो कुआं रस्सी से पानी काटता था, तो उस रस्सी से घिसते घिसते वहाँ पे कुछ आ गए थे लकीरें, तो वो बातों को समझना है, प्रयास करते करते आपको ये ऐसे हो जाएंगे ना, हलवा हो जाएंगे, जो नाउन नंबर है क्या हो जाएंगे साथियों, हलवा हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है, समझना प्रैक्टिस सक्सेस की क्या होती है, चाबी होती है, इस पर आपको फोकस करना होगा और इसे नोट डाउन भी करते रहना आपको कॉपियों में, ठीक है साथियों। और ये जितने भी वर्ड है ना आपको कहीं ना कहीं आप इसे डेली लाइफ में डेली देखते होंगे, ठीक है, रोजाना कहीं ना कहीं से देखते ही होंगे अपने दैनिक जीवन में, और इसे कहीं ना कहीं यूज भी करते होंगे दैनिक जीवन। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए सभी को फटाफट, टाइप, चलो साथियों इसे जल्दी जल्दी नोट करो और इसे बनाने के प्रयास करो, जिस जिसका वर्ड का हिंदी नहीं पता हो यानी कि उसकी अर्थ नहीं पता हो आपको वो पूछ लीजिए फटाफट, और इसके बनाने की प्रयास करें, इसका सिमिलर से पूरा बनाए। और मैं बता दूं
इसकी भी बताऊंगा ये सारे किस पे बेस्ड है, ये भी इसकी कहानी बताऊंगा ये सारे किस वाले आधार पे बनेंगे। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना साथियों? चलो बहुत खूब। देखो डॉग मतलब समझ रहे हो ना कुत्ता होता है, डॉक्टर मतलब जो डॉक्टर होता है, समझते हो, डॉक्टर का मतलब डॉक्टर होता है हिंदी में, ठीक है। और जो ब्रदर का मतलब होता है भाई, फिर मतलब बहन, और फ्रेंड मतलब दोस्त, समझते हो, सबको का फ्रेंड होगा अपना अपना। चलो रोड यानी कि जहाँ पे आप चलते हो, सड़क बोलते हो उसे। कोर्ट यानी कि जहाँ पे कोर्ट समझते हो ना, जहाँ पे जस्टिस किया जाता होगा। हाउस यानी कि जहाँ पे आप रहते हो, घर बोला जाता है। बॉय, बॉय मतलब अभी देखिए लड़का होता है। टेबल, टेबल यानी कि देखो समझते ना, टेबल जो एक पढ़ाई करते हो उसे बेंच ही बोलते हैं, बेंच टाइप से टेबल, यानी कि टेबल वो होता है, डाइनिंग टेबल भी होता है, खाना खाने वाला भी टेबल होता है, सर टेबल ही बोलते हैं हिंदी में, सर टेबल ही बोलते हैं। पेन यानी कि जिससे आप लिखते हो, पेन होता है, ठीक है, मार्कर को मत कहना, पेन यानी जो आप प्रॉपर यूज करते हो आप कॉपी के लिए, जो नोटबुक पे लिखते हो उसका। लेसन मतलब, लेसन बताओ, एक्सरसाइज जो बोलते हैं ना लेसन, उसी टाइप में आता है, ठीक है। सेंटेंस मतलब वाक्य। लेटर, देखो लेटर का मतलब दो होता है, एक लेटर मतलब बाद में, एक लेटर मतलब पत्र। और प्लेट समझते हो ना, प्लेट जिसमें खाते हो, थाली बोलते हो हिंदी में, प्लेट का प्लेट ही होता है और थाली भी होता है, समझ रहे हो ना। और चलो इसे फटाक से जल्दी से कम समय में इसे क्या करो साथियों, सिंगुलर से प्लूरल बनाने की प्रयास करो, जल्दी जल्दी करो साथियों, बहुत जल्दी 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 बनाओ। आप सबके कमेंट देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी इसके बनाओ सिंगुलर से प्लूरल, समझ रहे हो ना। और सारे एक रूल पे बनेंगे, सारे एक ही रूल पे बन जाएंगे, ऐसा कोई नहीं इसमें, सारे एक रूल पर बनेंगे। और कुछ ऐसे हमारे विद्यार्थियों में जिसने दिमाग लगा लिया होगा, सर सारे एक रूल पर बनेंगे, कोई ऐसा रूल ही नहीं है जहाँ पे जी लगता हो आपने बताया हो। आर के लिए कोई रूल ही नहीं बताया मैंने, टी के लिए भी कोई रूल ही नहीं बताया, टी के लिए भी मैंने कोई रूल नहीं बताया। तो आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि 90% केस वालों को आप पकड़ो, 90% केस में हम लोग ज़्यादातर केस लगा कर क्या करते साथियों, हम लोग नाउन को एक यानी कि एक वचन से बहुवचन में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। 90% केस यही कहता हमारा इंग्लिश ग्रामर का। बताओ साथियों इसमें एस लगाएंगे तो क्या ये नहीं बन जाएगा, मुझे बताओ आप लोग, आप ईमानदारी से सोचो, इन सभी जितने वर्ड दिखाई दे रहे हैं क्या हम इसमें एस लगा कर किसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना देंगे, क्योंकि हमारा रूल से मैच ही नहीं कर रहा अधिकांशतः। अब जहाँ पे रूल की बात आती है तो रूल के ही बातें कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हमारे रूल पे एक भी काम ही नहीं कर रहा है। तो वही बात आएगा ना कि ज़्यादातर जो 90% केस में जो नाउन होते हैं वे एस लगा करके आम चला लेते हैं, समझ रहे हो ना। 10% के लिए रूल बनाया गया था, समझ रहे हो ना, जो चीज़ पढ़ाया था मैंने। आ जाओ यहाँ पर डॉग्स का बताओ, डॉग का क्या हो जाएगा साथियों, डॉग्स होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, जल्दी कमेंट करो साथियों, बहुत खूब कमेंट करके मुझे बताओ होगा या नहीं, ठीक है। डॉक्टर का डॉक्टर्स होगा कि नहीं, डॉक्टर का डॉक्टर्स होगा कि नहीं बताओ, ब्रोदर का ब्रोदर्स होगा कि नहीं, जल्दी जल्दी बताओ, सिस्टर का सिस्टर्स होगा कि नहीं, फ्रेंड का फ्रेंड्स होगा कि नहीं बताओ, रोड का रोड्स होगा कि नहीं। अब भी आप जितने देखो बताओ, डॉक्टर को अपने आसपास में देखते हो कि नहीं, मैंने बताया कि हम यहाँ पर जितने भी वर्ड में आपको करवाऊंगा, जितने भी शब्द करवाऊंगा नाउन वाला, वो सबको कहीं ना कहीं आप दैनिक जीवन में देखते रहते हो। बताओ कोर्ट को भी देखते हो, जब आपके आसपास में कहीं झगड़े हो जाते हैं तो आपके बगल वाले से पड़ोस वाला कोर्ट जाते हैं, कोर्ट की मतलब चक्कर लगाते हैं, तो कोर्ट को भी आप कहीं ना कहीं से इन्हें जानते हो हमेशा दैनिक जीवन में। पेन का भी दैनिक जीवन में यूज करते हो कहीं ना कहीं, टेबल का भी यूज करते हो खाने के लिए कुछ भी। वाह यानी कि लड़का को कहीं ना कहीं आसपास में, भाई आप भी खुद लड़के हो यार, आपने कहीं ना कहीं देखते होगा अपने आप को। लेसन को भी देखते होगा, सेंटेंस अभी जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैं ये सबको मिला करके एक सेंटेंस लिख दूंगा तो वो भी सेंटेंस आपके दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं देखते हो। मैं वो चीज़ों को पकड़ रहा हूँ, देखो ये जो आप चीज़ें देखते हो ना 90% केस में, 90% केस में वो चीज़ें मैं एस लगाते हैं जो आप दैनिक जीवन में आसानी से देख लेते हो, उसमें सिर्फ ज़्यादातर में एस ही लगते हैं। और वो चीज़ों को मैं आप करवा रहा हूँ, फास्ट नहीं करवा रहा, कोई वाणिज्य नहीं करवा रहा हूँ, आप फंस जाओ, मुझे काम आपको फंसाना नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर करवाना है और आप सिंगुलर से प्लूरल बनाने में कभी हिचकिचाए नहीं, समझ रहे ना। आ जाओ कोर्ट का क्या हो जाएगा साथियों, कोर्ट्स। चलो इसके बाद हाउस का क्या हो जाएगा साथियों, अब देखो बहुत सारे हम विद्यार्थी होम कहेंगे, सर होम का प्लूरल बना दो साथियों, होम एक एडजेक्टिव होता है, समझ रहे हो ना, होम आपका क्या होता है साथियों, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का हम लोग अभी रूल नहीं पढ़ रहे सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए, तो आप लोग यहाँ पर दिमाग नहीं लगाएगा, बाय द वे एडजेक्टिव का सिंगुलर से प्लूरल नहीं होता है, समझ रहे हो ना।
एडजेक्टिव का सिंगुलर से प्लुरल नहीं होता है, वो वर्ब का होता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए आप यहाँ पे होम का इन्हीं की जगह को होम का सर हम प्लुरल बनाएंगे, क्योंकि होम मतलब मकान होता है, काफी मकान एक एडजेक्टिव है, समझ रहे हो ना। जो आप घर होता है, ठीक है, कहीं भी रहते हो तो उसे घर ही बोलते हो ना, मकान थोड़ी बोलते हो। मकान एक भाव होता है, उसे हम प्रकट करते हैं कि एक मकान है, समझ रहे हो ना। मकान एक आपका एडजेक्टिव होता है जो होम का यूज करते हैं। आ जाओ, बॉयज के क्या हो जाएगा साथियों, बॉयज हो जाएगा, टेबल का टेबल्स हो जाएगा, ठीक है। एक एक चीज नोट करते चलना, ठीक है। पेन का पेन्स हो जाएगा, लेसन का लेसन हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस का क्या हो जाएगा साथियों, सेंटेंसेस हो जाएगा। लेटर का लेटर्स हो जाएगा, समझ लो ना। और प्लेट का प्लेट्स हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ तक कहीं किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताइए, आप सभी साथियों यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, फिर जल्दी जल्दी कमेंट करो। किसी भाई को परेशानी हो यहाँ तक तो बताओ। है डॉग का डॉक्स ही होगा, डॉक्टर आपके समझ लो रूल पे काम नहीं कर रहा तो डॉक्टर का डॉक्टर्स हो जाएगा। ये सारे जो अभी रूल पर रोना वो सिर्फ और सिर्फ एस वाले हैं, और एस वाले में कहाँ तक चले गए हम लोग, 25 में 15 से 10 क्वेश्चन और करवा दूंगा एस वाला, फिर आपका एस वाला कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। कोई वर्ड आपको लगता होगा जिसको एस में लगा करके हम लोग सिमिलर से प्लूरल बनाते हैं नहीं आता होगा, फटाफट उसे कमेंट कर लिया करना, ताकि मैं आपको बता दिया करूँगा, ठीक है। चलो आ जाओ, इसे मैं नोट कर लिया हो ना साथियों, इसे आप क्या करना, कॉपी में इसे नोट डाउन करना, आपको लिखना है, ठीक है। क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, समझ ना। विद्यार्थी जीवन में आपको कलम चलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना कलम चलाए आप सोच रहे हो कि मैं देख करके ही सब कुछ याद कर लूँगा, पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि ये मूवी नहीं है, मूवियों आप लोग याद कर लेते हो, मुझे पता है कि बाबू पढ़ाई है, और पढ़ाई के लिए यानी कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता बहुत ज़रूरी होती है। और एकाग्रता कैसे आएगी, आपकी कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ेगी, जब आप उस चीज़ों को बारीकी से कॉपी में लिखेंगे, जो टीचर पढ़ा रहा है, जो कोई भी पढ़ा रहा है, बारीकी से एक एक बातों को सुनोगे, डेफिनेटली आप अच्छा करने लगोगे, समझ रहे हो ना, डेफिनेटली आप अच्छा करने लगोगे। चलो, और इसे आप लोग क्या करना है, इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करना, उन्हें भी बताओ कि साथियों आजो मेरे साथ, आप इंग्लिश क्लासेस की लाइव क्लासेस चलती है वहाँ पे ज्वाइन कर ले, और साथ साथ में पढ़ाई करो, दोस्तों को बताओ। ये सबको के लिए यूजफुल है, ठीक है। छोटा बच्चा भी हो तब भी उसके लिए यूजफुल है, क्याने हो अगर आपकी इंग्लिश कहीं दिक्कत होती है तब भी, और इंग्लिश आती है तब भी आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि आपकी रिविज़न हो जाएगी, तो सबके लिए यूजफुल होता है, ठीक है। चलो, अब इसी में हम लोग लेटर तक प्लेट तक देख लिए थे, प्लेट के बाद आ जाओ, जैसे हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, जैसे ले लेते हैं गर्ल, ठीक है। अभी प्लेट बनाओ जल्दी से साथियों, 28 नंबर में आ जाओ, हम लोगों का हो जाएगा स्टूडेंट, इसका भी प्लूरल फॉर्म जल्दी जल्दी बनाते चलो, फिर मैं इसका मिलवाऊंगा। 29 में हो जाएगा जॉब, 13 में आपका है एक्सपर्ट, और जिनकी हिंदी नहीं आती हो उन्हें कॉपी में लिखना है, मैं बताऊंगा, बारीकी से सुनना है फिर उसे लिखना है, समझ लो ना। अच्छा, पेपर को समझते ना, पेपर जल्दी देखते हो आप लोग पेपर। चलो, पेपर हो गया ना, तो आज इस और 33 में लिख लो एज, 34 लिख लो मदर, क्या 35 में लिख लो साथियों क्रिएटर, ठीक है। फिर लिख लो वर्क, कुल 38 में क्या हो जाएगा साथियों आपका सब्जेक्ट, 39 में लिख लीजिए चैप्टर, ठीक है, और 14 में लिख लीजिए मार्कर। हाँ जी, 40 क्वेश्चन आपको एस वाला कराना था, इसमें भी बताइए, मैंने कहीं एल वाला रूल बताया आपको, आप डबल एल है साथियों, ए सी एच डबल,
ACHOOL, ठीक है। यहाँ बताइए वर्क, के वाला कहीं रूल बताया था, आर वाला कहीं रूल है हमारा? नहीं, आर वाला भी नहीं है, टी वाला भी नहीं है, टी है यहाँ भी, बी वाला भी रूल नहीं है। यानी कि जितने भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं अधिकांशतः हमने रूल को इसमें नहीं पढ़ा है। बताओ साथियों, ये 19% केस में जाएंगे कि नहीं? हाँ, बे परसेंट वाले केस में जाएंगे ना। तो बताओ इसमें ए शब्द लगा करके आप इसका सिंगुलर से प्लूरल बना लोगे कि नहीं? देखो, गर्ल मतलब लड़की होता है, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी होता है, जॉब जॉब समझ दो ना, जैसे मैं अभी एक यहाँ पर जॉब करूँ, ऐसे ही जॉब होता है, जॉब जो कि कहीं ना कहीं काम किया जाता है, जॉब इसे बोलते हैं, ठीक है। नौकरिया समझ ना, जॉब जिस सरकार अभी जॉब नहीं निकाल रही है बहुत सारी, जॉब यानी कि नौकरिया। एक्सपर्ट यानी कि कोई चीज़ में आप उसमें माहिर हो, उसे एक्सपर्ट बोलते हैं। पेपर समझ ना, पेपर भाई, पेपर का सेफ साइज नहीं होता, मैंने बताया था इसके बड़े तरीके से, उसको समझाया था नॉन वाला चैप्टर में। च्वाइस, च्वाइस का मतलब होता है इच्छा, विश। अब क्या, जैसे हमने पूछते ना कि क्या च्वाइस है आपका, जैसा आपका च्वाइस समझते ना, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपके मन। एज, एज यानी कि आयु, आपकी आयु क्या है? कोई कहता ना मैं 25 वर्ष का हूँ, कोई 16 वर्ष का है, कोई 20 वर्ष का है, जैसे मैं 19 वर्ष का हूँ, 20 वर्ष का, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। मदर, मदर यानी कि माँ, मम्मी को दिखती हूँ ना भाई। चलो, क्रिएटर यानी कि हम जैसे क्रिएटर होते हैं, वैसे क्रिएटर समझते ना, जो कुछ भी चीज़ को बनाते हैं उसे क्रिएटर बोलते हैं। क्रिएट प्लस वर्क यानी कि बनाने वाला जो क्रिएटर होता है, ठीक है। वर्क, वर्क मतलब काम। देखो वर्क को वर्ब में भी रखते हैं, नाउन में भी रखते हैं, पता है ना आपको, दोनों फॉर्म में काम करते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। स्कूल यानी कि पढ़ने जाते हो, जहाँ पे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट हो, आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल का मतलब ही होता है, स्कूल लिखते हैं हिंदी में, इसको स्कूल पढ़ते हैं, समझ लो ना। सब्जेक्ट यानी कि जो विषय होता है, यानी कि सब्जेक्ट जो कुछ भी चूज करते हो, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, ये सारे आपके क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। चैप्टर यानी कि चैप्टर, जैसे 12th में पढ़ते हो फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, ऑप्टिक्स, समझ लो ना, ये सारे चैप्टर। जैसे इंग्लिश में, इंग्लिश में कैसे चैप्टर है आपका, रोज ऑफ इजेमार, वॉज वर, हैव टू, समझ लो ना, हैज टू, ऐसे इन्फिनेटिव टेंस, ये सारे के आपके चैप्टर होते हैं। मार्कर, जिससे मैं लिख रहा हूँ उसे मार्कर बोलते हैं, मार्कर के हिंदी में होता है मार्कर, ठीक है। मार्कर का ऐसा कोई हिंदी नहीं होता है जैसे लिखने वाला, पता नहीं क्या, तो मार्कर मतलब मार्कर ही होता है। अभी इसे जल्दी से आप इसे क्या करो, सिंगुलर से इसका प्लूरल बनाने की प्रयास करो, जल्दी जल्दी साथियों करो। आज जब गर्ल का बनाओगे, देखो साथियों इसको मेरे साथ करोगे तो अच्छा लगेगा, अदरवाइज आप ये सोचोगे ना सर तो बता रहे, सारे तो मैंने पढ़ा है कहीं ना कहीं बुक में। और यही तो हम लोग गलतियाँ कर देते हैं अपने जीवन में, हमें तो पता है वास्तव में ये जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को देखे हो, रिकॉल किए हो, तो आपको न्यू अच्छा लग रहा है कि हाँ इसको पता था। लेकिन वास्तव जीवन में जब कोई आपसे पूछ देता है, आपसे बड़े जन को पूछ देता है कि इसका ये बना दो, तब वहाँ टाइम नहीं आता आपको, क्यों कि आपने उस चीज़ों को रिकॉल नहीं किया होता है। यहाँ पे क्या होता है साथियों, आपको रिकॉल जैसे जानते हैं, मैं जानता हूँ आप बढ़िया तरीके से जानते हैं इंग्लिश, सब कुछ आता है आपको, लेकिन यहाँ पे जब नोट कीजिएगा ना आप कॉपी में, जब मेरी बातों को सुनिएगा बढ़िया तरीके से, आपका एक काम होता है रिकॉल, समझो, रिकॉल यानी कि उस चीज़ को रिवाइज करना, तो रिकॉल पर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। गर्ल का क्या बना देंगे साथियों, गर्ल्स। स्टूडेंट का क्या हो जाएगा साथियों, स्टूडेंट्स। जॉब का क्या हो जाएगा साथियों, जॉब्स। एक्सपर्ट का क्या हो जाएगा साथियों, एक्सपर्ट्स, ठीक है। पेपर का क्या हो जाएगा साथियों, पेपर्स। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करना है और अपनी प्रॉब्लम पूछ लेना है, क्योंकि छोटी प्रॉब्लम तब तक छोटी होती है जब तक उसे हम सॉल्व कर लेते हैं, अगर जैसे उसे सॉल्व करने के प्रयास नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी हो जाती है। और हम जब छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाती है, समझ रहे ना। आज ये चॉइस का हो जाएगा आपका, चॉइसेस, ठीक है। एज का हो जाएगा साथियों, एज। और मदर का हो जाएगा साथियों, मदर्स। अब कोई फादर्स, देखो भाई किसी के दो चार पिता नहीं हो सकते, पहली बात। मदर्स भाई ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि माँ यानी कि देवी देवताओं को हम लोग ऐसी देते हैं दर्जा देते हैं कि मतलब जो देवी देवताओं भी हो तो उन्हें भी माँ ही कहते हैं। लेकिन कहीं नानी हाल में भी जाता है तो उसे माँ ही बोलते हैं लोग, नानी माँ को। कहीं ममहर में जाता है जो मामी उन लोगों को पोस पाल के बड़ी कर देती है तो उन्हें भी माँ ही बोलते हैं। बट किसी की पापा ज़्यादा नहीं हो सकता, जो आप लोग यूज करते हो कि दे आर माई फादर्स, जैसे बहुत सारा, तब आपके जनरल लाइफ में वो सेंटेंस गलत होता है, क्योंकि किसी भी इंसान का बायोलॉजिकल बात करें तो एक ही पिता होता है। प्यार देने के अलग अलग तरीका अलग है, माताएं अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हमें सरस्वती माँ जैसे पूजा करते उन्हें भी माँ ही बोलते हैं। लेकिन कहीं ये नहीं सुने होगे कि विष्णु पापा, कभी नहीं सुने होगे। तो ये चीज़ों को ग्रामर से भी, दुनिया से देखो, तो वो कभी भी करेक्ट नहीं हो पाएंगे।
दुनिया में सबका पापा एक होता है, यानी कि जो फादर होता है एक होता है, लेकिन माँ का प्रतिमा यानी कि उनकी प्यार वो अलग अलग है, सब जगह अलग अलग है, तो वो मोर देन वन हो सकते हैं। लेकिन याद रखना, फादर के जब सेंटेंस में लिखोगे तो वो गलत हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। फादर जब सेंटेंस में, जब फादर्स लिखोगे तो सेंटेंस वो गलत हो जाएगा, लेकिन आम जीवन में फादर्स यूज करते हो तो वो गलत नहीं है, समझ रहे हो ना। अब ऐसे कहोगे कि दीज आर फादर्स, वे सब पिता हैं, यानी कि अनेक अनेक के पिता है, लेकिन दे आर माई फादर्स, जैसे बोलो दे आर माई फादर्स, वे लोग मेरे पिता है। भाई बताना मुझे, ईमानदारी से सोच के बताना, एक इंसान के कैसे बहुत सारे पिता हो सकते, पॉसिबल ही नहीं भाई। तो वो इसलिए सेंटेंस गलत हो सकते हैं, लेकिन हाँ एक केस में हो सकता है, जैसे ही चर्च में जाते हो, चर्च समझते हो ना, वो भी देखो ना, चर्च शायद कहीं होता हो, चर्च जाते जाओगे तो वहाँ पे आपको साथियों, चर्च में जैसे ही जाओगे तो साथियों वहाँ पे ये होता है ना आपको कि चर्च में जाते हो तो वहाँ पे एक जो पिता होते हैं, तो वहाँ पे कहते हैं ना देयर माई फादर्स, फादर्स बोलते हैं वहाँ पे चर्च में जो लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं साथियों, फादर्स बोलते हैं, ना कि फादर बोलते। चर्च में आप वहाँ पे फादर्स उन्हें कॉल्ड करते, समझ रहे हो ना, चर्च में हम उन्हें फादर्स बोलते हैं। तो दैनिक जीवन में यूज नहीं करोगे, लेकिन हाँ आजकल देख रहे हो कि डॉक्टर सब क्या होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, स्पाइरम को क्या करते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ भी उसके फादर्स अनेकों हो सकते हैं, क्योंकि कोई बॉडी बिल्डर का वो क्या रहता है, स्पाइरम ले लिया, स्पर्म उसका ले लिया और किसी के एक में इंजेक्ट किया, तो वहाँ पर उसके अलग अलग फादर हो सकते हैं। लेकिन आम जीवन में, हम जैसे जो होते हैं, आम इंसान होते हैं, उनके फादर्स अनेक नहीं हो सकते। लेकिन जिसको स्पर्म किया गया होगा, बायोलॉजिकल यानी कि जो होते हैं ना स्पर्म को क्या कहते हैं, इंजेक्शन से आज चलता है वो, मॉडर्न एरिया हो गया, तो वो जो इंजेक्ट किया जाता है उसके अनोखे पिता हो सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे जीवन में पिता एक ही होते हैं, तो इसलिए आप कभी सेंटेंस में दे आर माई फादर्स कभी भी जिंदगी में भूल से मत लिखना, समझ गए ना। बहुत बड़ा एक बार एग्जाम में पूछा था, समझ रहे हो। आ जाओ यहाँ पे क्रिएटर, मैं जब क्रिएटर का बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा साथियों, क्रिएटर्स हो जाए, वर्क का क्या हो जाएगा साथियों, वर्क्स हो जाए, और स्कूल का बनाऊंगा साथियों बताओ क्या हो जाएगा, स्कूल्स होगा ना, क्योंकि रूल को फॉलो नहीं कर रहा, सब्जेक्ट को भी करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, सब्जेक्ट्स हो जाएगा, चैप्टर को बनाऊंगा चैप्टर्स हो जाए, और मार्कर को करेंगे तो मार्कर्स हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा हो साथियों, तो फटाफट आपको क्या करना होगा, इस सेशन को शेयर करना हो, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, सेशन को क्या करना, शेयर करना, क्योंकि आप समझ रहे हो ना साथियों, ये सारे क्या थे हमारे सिमिलर से प्रोडक्ट बनाने के कुछ क्वेश्चन थे। अब हम इसके दूसरे टर्म की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग इसकी क्या करेंगे, दूसरे टर्म की ओर बढ़ेंगे। इससे जल्दी से आप चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो, या तो फटाफट इसे नोट डाउन करो जल्दी फटाफट। बहुत खूब अवंतिका जी, गुड गुड, सभी को देखो, आप जितने भी स्टूडेंट हो ना, क्या करो इस सेशन को शेयर करो, क्योंकि बिना शेयर किए काम नहीं चलने वाला, समझ रहे हो ना। चलो इसे शेयर करो जल्दी जल्दी, और दोस्तों को बताओ कि हाँ सर यहाँ पे बायलिंगुअल तरीके से पढ़ाई किए जाते हैं, और पढ़ाई मतलब बहुत सारे चीज़ कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं। चलो नोट डाउन कर लिए होगे, और पीडीएफ चाहिए ना साथियों, देखिए इनके पीडीएफ पे काम हो रही है, ठीक है, कुछ हमारी डिस्टर्बेंस चल रही है मानता हूँ, लेकिन पीडीएफ इन सबकी मिलेगी, ठीक है, बहुत जल्द मिलेगी। और पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम, मस्त ना, टेलीग्राम यूज करते हो ना, अब टेलीग्राम को क्या करना होगा, ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको क्लास का एक तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, और आपको वहाँ पे पीडीएफ के लिए कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि टेलीग्राम में सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। टेलीग्राम में क्या होता था, सारे पीडीएफ जितने भी पीडीएफ आप देखते होंगे ना, सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पर ये वीडियो लंबा हो सकता है, ये मतलब क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप धैर्य बना करके रखेंगे, और सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करने की प्रयास करेंगे। चलो आ जाओ, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे तो साथ में टाइम लगेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा करोगे तो टाइम लगेंगे। आ जाओ एक और क्वेश्चन हमारा, ये अब रूल टू पे चलते हैं, ठीक है, रूल टू पे चलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन एक नंबर से फिर लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि अलग रूल का ही क्वेश्चन है, तो एक नंबर से फिर लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा, आप भी समझ पाओगे। चलो जैसे क्लास, बहुत विद्यार्थी दिमाग यहाँ पर सब कुछ बना लेना, क्योंकि सारे रूल से बिलोंग करते हैं, और जिसने भी रूल पढ़ा होगा वो आसानी से इसे धुआं की तरह बना देगा, धुआं की तरह, धुआं धुआं है तो वैसे बनाएगा जो भी इसको रूल पढ़ा होगा। क्लास हो गया, ब्रांच हो गया,
मत रोना, जैसे 18 में हो जाएगा आपका प्लस, फोर्थ में आ जाओ एस, फिफ्थ में आ जाओ मैच, में आ जाओ पास, सेवन इस, सबको नोट डाउन करते चलो साथियों, ठीक है, सबको नोट डाउन करते चलो और इसे बारीकी से क्या करो उतारते चलो। एट नंबर क्वेश्चन है हमारा वॉच, नाइन नंबर क्वेश्चन है बेंच और टेन नंबर क्वेश्चन है हमारा गैस। अब इसे जल्दी से इसे उतारो अपने कॉपी में और इसे ये सारे जितने सबके सब रूल पे बताए गए हैं, सारे के कुछ ना कुछ रूल है और आपको बारीकी से बताया था मैं, इसके रूल बहुत प्यार से समझाया था, सारे रूल पे बनेंगे। जल्दी जल्दी इसका बना दो साथ, जल्दी जल्दी इसका सिमिलर से प्रूव बना दो। क्या इसको पता नहीं है क्लास मतलब वर्ग होता है, ब्रांच मतलब जो शाखा होता है, स्टेट बैंक का ब्रांच होता है, जैसे हम लोगों का पीबीआर स्टडी अभी यहाँ पे है, कुछ दिन में ब्रांच आपका दिल्ली में चला जाएगा, कुछ दिन में ब्रांच आपके बिहार में चला जाएगा, कुछ दिन में कहीं और उसे ब्रांच बोलते हैं। ब्रश, ब्रश वो भी इसको भी ब्रश बोलते हैं। ऐस मतलब गदहा, भाई आप कोई स्टूडेंट तो नहीं ना, ऐस हो जो मतलब हरकतें ऐस जैसा हो। चलो मैच कर दो ना, उसे मैच बोलते हैं जो भी खेलते हैं, भाई बॉलिंग जो भी कराते हैं बॉलिंग वाला भी वही मैच का हिस्सा है, ठीक है। बस यानी कि झाड़ी होता है। किस, भाई किस मतलब समझ रहे हो ना, समझदार हो बच्चे हंस रहे हैं, किस मतलब किसी होता है, भाई क्या पप्पी क्या होता है भाई, किस मतलब किस होता है। चलो वॉच, वॉच मतलब अरे यार कमेंट में, वॉच मतलब घड़ी होता है, समझ रहे हो ना, वॉच मतलब घड़ी, भाई घड़िया में भी पहनता था, गिफ्ट वाला घड़ी टूट चुकी है, मिलेगी फिर पहनेंगे। बेंच समझते हो ना, बेंच तो बेंच वो बताया था ना इसके पहले। गैस, सिलेंडर गैस चल रहा है आजकल, एचपी है, इंडियन गैस है, लैफिंग गैस को भी बोलते हैं, ऑक्सीजन भी गैस ही होता है, गैस गैस है, बहुत सारे गैस हैं। तो इनका आप सिमिलर से क्या करो साथियों, जल्दी से इनका प्लूरल बना दो, इनका करना ये है साथियों, इनका सिमिलर से प्लूरल बना दो, तो जल्दी जल्दी करो। चलो देखो मैंने रूल बताया था आपको साथियों, ठीक है, मैंने रूल बताया था जिस वर्ड के यानी कि जिस नाउन के अंत में एस डबल एस सी एच एक्स, समझ रहे हो ना, एस डबल एस एक्स सी एच जेड और एस एच लगा हो तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए उसके अंत में ई एस लगा देते। बताओ किस किस को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, हमें कमेंट करके बता दो। ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसे समझ में ना आ रहा हो, कमेंट करके मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट करो। देखो डबल एस दिखा, क्या करेंगे क्लासेस, कुछ नहीं करेंगे साथियों, हम आत्म क्या करना है। ब्रांच देखो सी एच वाला थोड़ा परेशान करता है, मैंने बताया था सी एच में क्या उच्चारण, सी एच का उच्चारण क होगा उसके साथ एस लगाएंगे और जिसका सी एच का उच्चारण क होगा उसके साथ टी एस लगा देंगे, जिसके साथ क होगा उसके साथ एस लगाएंगे और जिसके साथ च होगा उसके साथ ई एस लगाएंगे। ब्रांच उच्चारण चौर है, क्या हो जाएगा साथियों, ब्रांचेज हो जाए, कहीं भी आपत्ति हो बताओ। ब्रश क्या हो जाएगा साथियों, ब्रशेस हो जाए, ठीक है। अरे यार चलो एस का एसेस हो जाएगा, मैच का मैचेज हो जाएगा, बस का बस मतलब झारी होता है, क्या हो जाएगा साथियों, किस बताओ भाई साथी, किस से होगा ना, है अजो वाच, वाच का साथियों क्या हो जाएगा, वाचेज हो जाएगा, ठीक है। बेंच का बेंच वहां भी था, ब्रांच था, बेंच का बेंचेज हो जाएगा और गैस का गैसेस हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, फिर किस किस विद्यार्थी को परेशानी हो रही है, जिस जिस विद्यार्थी को परेशानी हो रही है तो बता दो मुझे जल्दी से। हाँ बताओ जल्दी जल्दी बताओ मुझे,
आ जाओ कि और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी जल्दी, बता दो ना इसे, आप लोग इसे जल्दी जल्दी नोट करना क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है और हमें सीखना बहुत कुछ, ठीक है। इसके बाद आपको नाउन केस पढ़ाएंगे, इसके बाद फिर आपको नाउन जेंडर पढ़ाएंगे, समझ ना, नाउन का जेंडर वाला भी पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। नाउन का केस, नाउन का जेंडर, नंबर हो गया, बहुत सारे नाउन में पर्सन ही पढ़ना होता है, कैसे पर्सन के यूज करोगे, कौन सा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, अब छोटे छोटे भी चीज़ सीख जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रोनाउन स्टार्ट कर देंगे। और बहुत सारे बच्चे का डिमांड होता है कि सर मुझे टेंस ही सिखा दो, अब बताओ टेंस में आपको सब्जेक्ट नाउन होता है और आपको सब्जेक्ट ही नहीं पता, वो कैसे सब्जेक्ट के यूज करते हैं, टेंस बना पाओगे बताना, इसके साथ कौन सा प्लूरल नाउन है आपको पता नहीं होगा तो भाव का कैसे यूज करोगे, कौन सा सिंगुलर भाव यूज करें, कौन सा प्लूरल भाव यूज करें, क्या बना पाओगे, नहीं बना पाओ, इसलिए सब कुछ बारीकी सबको सिखा रहा हूँ, आप सीखते चलो और समझने की प्रयास करो, ठीक है। अब इसके बाद 10 क्वेश्चन और करेंगे, इसका जो बच जाएगा फिर अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये दर्द करने आज 11 नंबर को 20 को हटाएंगे तो साथ में फीस ना लेगा, फीस आपको सिंगुलर ही हो जाता है, फीस का फीस ही हो जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा कंडीशन है, फीस को हटा दो, फीस कर लो, फीस ऑक्स फॉक्स टैक्स ऑक्स तो वही दिया भाई, कितने आ जाओ स्टोमेक 15 के बाद 16 नंबर में लिख लो मोनार्क और 17 में ले लो आर्क। चलो इतना ही बनाओ और फिर उसके बाद हम आपको अगले वीडियो में बताऊँ बाकी सारी चीज़ें, समझ रहे हो ना, चलो क्योंकि गर्मी भी लग रही है, पंखा नहीं चल रहा, प्लीज भोजन निगड़ी इसका होता है, चलो एसएच लगा है ऑक्स, एस एक्स लगा है ऑक्स, एक्स लगा है टैक्स, एक्स लगा है स्टोमेक, सी एच लगा है सी एच मोनार्क, सी एच लगा हुआ है आर्च, सी एच लगा हुआ है, देखो साथ वो जिस लगा होते हैं ज़्यादातर नाउन ही होते हैं, इसका रूल नहीं मिलेगा, नहीं लिखा जाता, लेकिन आप याद रखो कि ज़्यादातर में सी एच जहाँ लगा हो जिस वर्ड में वो नाउन ही होता है। अब बताओ मैंने रूल सिखाया था जिसके अंदर में सी एच एस एच डबल एस एस एक्स जेड लगा हो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम उसके अंतिम वाले वर्ड का जो लेटर होता है उसके साथ डिस लगा देते हैं, बताओ डिस का डिशेस होगा कि नहीं, डिस का डिशेस होगा कि नहीं, ऑक्स का बताओ, और मैंने बताया था आपको रूल के साथ साथ कि ऑक्सी एक ऐसा वर्ड है, ऑक्सी एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं साथ ही बताओ, किसका प्रयोग करते हैं ऑक्स के साथ, ई एल लगाते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा साथ ऑक्सल हो जाएगा, फॉक्स का फॉक्सेस हो जाएगा, टैक्स का टैक्सेस हो जाएगा, एस्टोमिक सी एच को आ रहा है ना इसको उच्चारण तो एस्टोमिक्स हो जाएगा, ठीक है, एस लगाएंगे सिर्फ क्योंकि उच्चारण इसका को आ रहा है, सिर्फ एस लगाएंगे, मोनार्क का भी उच्चारण को आ रहा है, इसका भी उच्चारण क्या आ रहा है साथियों को आ रहा है, क्या हो जाएगा साथियों मोनार्क एस लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ, समझ रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ एस, देखो आर्क इसका भी उच्चारण को आ रहा है, यही तीन वर्ड होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये, यही तीन होते हैं क वाला, इसके बाद कोई नहीं होता, याद कर लो, इसलिए तीनों लिख दिया हो कहीं आपको फ्यूचर में कहीं दिक्कत ना हो। तो ये सारे थे हमारे सी एच वाले, डबल एस वाले और सिर्फ एस वाले वर्ड जिसका हम लोग सिंगुलर से प्लूरल आज प्रैक्टिस किया। अभी सी एच में कुछ और बच गए जो कि मैंने 40 के लगभग लाया था, लगभग 18 करवा दिया तो 12-13 और करवा दूंगा, समझ रहे हो ना, 12-13 और 12 मतलब 30-35 करवा दूंगा आपको, और मतलब 20 क्वेश्चन और करवा दूंगा, ठीक है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो दोस्तों अगर चैनल पे न्यू आए हो ना, चैनल पे पहली बार आए हो, आप कुछ नहीं सोचो, पहले तो सब्सक्राइब करो, अब बगल में बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा उसे जाकर प्रेस करो, दूसरी काम ये करना होगा इस सेशन को शेयर करो दोस्तों के साथ, और बात देखो सुबह 7 बजे क्लास चलती है आपकी मैथ की, ठीक है, 9th क्लास की, शाम को भी 7 बजे चलती है, इस पे शाम को 7 बजे चलते वहाँ पे ज्वाइन करो, 9 बजे आपकी बेसिक मैथ की चलती है वहाँ भी ज्वाइन करो साथियों, जो आपसे सीनियर हो उनको बता, ठीक है, और पीडीएफ चाहिए कोई भी चीज़ का, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, समझ रहे हो ना, उसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना होगा,
वहाँ पे सर्च करना होगा, स्पेलिंग देखना PVR स्टडी, ये सर्च करोगे जैसे ही PVR स्टडी आपको एक टेलीग्राम दिखाई देगा और उस पर जा करके क्या करना है साथियों, आपको ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन करने के बाद फ़ायदा क्या क्या होगा साथियों, आपका एक तो क्लास का नोटिफिकेशन वहाँ पर हमेशा डाला जाता है, ठीक है, जाता है मतलब, और साथ ही साथ आपको वहाँ पे PDF के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में PDF मिलते हैं, ये बहुत एक अच्छी उपलब्धि है। बस तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हमें अपने दुआओं में याद रखना, इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बस जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।